तू तरीके से बोलो, तुम तरीके से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो यार? औकात में बात करो, कहाँ आके बात करता है, समझ में आ रहा है? आप फिर वक्त वक्त क्या बोलते हैं, तरीके से बोलिए। तू तरीके से बोलो, तुम तरीके से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो यार? औकात में बात करो, कहाँ आके बात करता है, समझ में आ रहा है? चुनाव पर्यवेक्षक को और, लेकिन उसको कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बोली नीचे तो मार खाएगा, नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं goodmorningnews.in। कुडनी उपचुनाव के खत्म होने के बाद बीजेपी और महागठबंधन आपस में भिड़ गए हैं। दोनों के बीच जमकर तूतू मैमे हुई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। घटना सोमवार शाम की बताई जा रही, जहां बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता ने जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा पर बूथ कैप्चरिंग और फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया। दोनों के बीच हुई कहासुनी औकात तक जा पहुंची। जेडीयू उम्मीदवार ने बीजेपी प्रत्याशी को औकात में रहने की बात तक कह डाली। तो पहले आप ये वीडियो देखें। औकात में बात करो, कहाँ आके बात करता है, समझ में आ रहा है? आप फिर वक्त वक्त क्या बोलते हैं, तरीके से बोलिए। तू तरीके से बोलो, तुम तरीके से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो यार? औकात में बात करो, कहाँ आके बात करता है, समझ में आ रहा है? चुनाव पर्यवेक्षक और, लेकिन उसको कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बोली नीचे तो मार खाएगा। आप फिर वक्त वक्त क्या बोलते हैं, तरीके से बोलिए। तू तरीके से बोलो, तुम तरीके से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो यार? औकात में बात करो, कहाँ आके बात करता है, समझ में आ रहा है? देख लीजिए, आप लोग देख रहे हैं ना, मीडिया वाले लोग क्या बोल रहे हैं, मीडिया वाले लोग देख लिया ना कि क्या, जब कैंडिडेट के साथ किस तरह व्यवहार आम जनता को क्या करते हैं, नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। हम बूथ छपाया है, बूथ छपाया है, दो घंटा पहले हम निकल के कैंपस खाली कर दीजिए। सर क्या हुआ आपके साथ, देख रहे हैं ना आपके सामने, सर कैसा आपके साथ यहाँ बूथ को डिस्टर्ब किया गया? वो सर वो कौन थे, लोकतंत्र आपके साथ जो दुर्व्यवहार किए वो कौन थे? देख नहीं रहे हैं, जदयू के उम्मीदवार थे। अब क्या कीजिएगा आप? तो मैं लिख करके दूंगा सबको। यहाँ देख रहे हैं ना इस तरह से जो है जदयू उम्मीदवार जो है गठबंधन की, उनका गांव और अपने चारों तरफ से अपने लोगों को यहाँ मैनेज करके और यहाँ फोकस वोट गिराने का काम किया। तो सर इनमें लापरवाही किनका है? प्रशासन का लापरवाही है। आपने सुना, इसमें मनोज कुशवाहा ने जिला प्रशासन की मदद से कई बूथों पर कब्जा किया और बोगस वोटिंग करवाई का आरोप लगाते देख सुने जा रहे हैं। उनसे इस बात को सुनते ही मनोज कुशवाहा भड़क उठे। दोनों के बीच जमकर तीखी बहस हुई। मनोज कुशवाहा के गांव में बूथ पर पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता और उनके समर्थकों में जमकर हंगामा किया। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। वीडियो में साफ सुना जा रहा है कि मनोज कुशवाहा कह रहे हैं कि तरीका से बात करो, औकात में बात करो। वो कह रहे हैं कि बात को समझ रहा है ना नहीं, और आकर नौटंकी कर रहा है, जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार वहां से निकल जाते हैं। तो अब लोगों की नजर कुडनी के परिणाम पर है, और ऐसे में अब देखा जाता है कि इन दोनों नेताओं के बीच की ये तो मैं कहां तक रंग लाती है। तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे गुड मॉर्निंग न्यूज़.in के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।